हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सिलेबस रहते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, टोटल नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है, कितने हम क्वालिफाई होते हैं, कब फॉर्म भर सकते हैं, सब जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम में तीन सब्जेक्ट आपको रहेंगे, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। टेंथ लेवल पर भरते हैं तो टेंथ लेवल पर आप पढ़े ही हैं, ठीक है, ट्वेल्थ लेवल पर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये तीनों रहेंगे, ठीक है। टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 120, जिसमें से आपको मैथ रहेगा 60 नंबर का, फिजिक्स रहेगा 30 नंबर का, ठीक है, और केमिस्ट्री रहेगा 30 नंबर का, ठीक है। और आप इसे टेंथ के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं, ट्वेल्थ के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आप ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप जो आप पढ़े हैं उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। टेंथ आप किए हैं तो टेंथ में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप पढ़े ही हैं, तो उसी में से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। उसके लिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।